देखिए, मैंने सभी एसपीज को, हमारे ब्याजीज को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें, और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूँ कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि फिर ऐसे में हमें FIR दर्ज करनी पड़ती है। FIR दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि कल को उनको अगर सरकारी नौकरी जो मिलने वाली होगी उसमें उनका वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कृपया करके शांति बनाए रखें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ से न। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel The New Indian by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.